हाय अजय, लास्ट वीक जो रिलीज गई थी उसमें कुछ इशू आ रहे हैं, तो मैंने एक मेल फॉरवर्ड करी है, प्लीज चेक कर लेना उसे। कौन सी रिलीज? ओह अच्छा, लास्ट वीक तुम छुट्टी पे थे, तो कोई बात नहीं, मैं शिवम को बोल देता हूँ। वैसे कैसी थी ट्रिप, कहाँ गए थे घूमने? स्पीति वैली। ओ स्पीति वैली गए थे? मेरा भी यार बहुत मन है स्पीति जाने का, और हम लोग प्लान भी कर रहे हैं, तो एक बार मुझे बताओ कि जरा कैसी थी ट्रिप। तो मैं सर आपको ना शुरू से बताता हूँ। तो लास्ट ईयर मैं और मेरे कॉलेज के दोस्त लद्दाख गए थे, तो इस बार जाते हैं हम लोग स्पीति करने के लिए। खुली हवा हो, खुला समा, जागे हुए हो सब अरमा, बेबे बेबे बेबे। मैंने बुक करवाया पैकेज, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सारे काम मैं करता हूँ, ये लोग बस अपनी उठा के आ जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं, पूछते हैं अरनियस भाई अगली बार कहाँ जा रहे हैं। अब हिमाचल एंटर करते ही मौसम बदलने लगता है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों के और करीब जाते रहते हैं, लैंडस्लाइड देखकर डर लगने लगता है। तो अपना पहला स्टॉप जो होने वाला है वो होने वाला है मनाली, और हिमाचल ने हमारा कुछ इस तरीके से स्वागत करा कि मतलब हुआ क्या, मेरे को इतनी नींद आ नहीं रही थी तो मैं ड्राइवर भैया के साथ जाके बैठ गया, और क्या ही लैंडस्लाइड हो रखा है, क्या ही बारिश हो रखी है, बहुत गलत हो रखा है इस टाइम पे मौसम। हाँ, लेकिन सुबह होते होते मौसम बढ़िया होने लगता है और बारिश के बाद वो इतना सुंदर हो जाता है। हम ऑलमोस्ट मनाली पहुंचने वाले हैं, बारिश रुक चुकी है, और जो नज़ारे हो रहे हैं ना इस टाइम पे, कल रोशनी है, धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, तो गाइस ऑल सेट, ठीक है, चेंज रेंज कर लिया, फ्रेश हो चुके हैं, अभी नाश्ता नहीं करा तो नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग निकलेंगे मनाली से। और मेरे सामने हैं बाइक्स दिखाता हूँ आपको। इससे पहले यार मैंने भी हमेशा बुलेट ही चला रखी है, क्लासिक या फिर स्टैंडर्ड, तो जो हिमालयन का एक्सपीरियंस है ना, मतलब हमने खाली 60 किलोमीटर राइड करी है, काफ़ी कम्फर्टेबल स्पीड है बाइक में, तो मज़ा आ रहा है, बाकी घंटे वड्डे इतने फील होते नहीं है, अभी तक की राइड बढ़िया रही है, आगे 1.5 घंटे की राइड और है, फिर हम पहुँचेंगे जीबी। अब जीबी पहुँचना इतना भी आसान नहीं था, मौसम फिर ख़राब होने लगता है, लेकिन यार इस मौसम खराब होने का भी कुछ अलग एक्सपीरियंस था। पहाड़ों पर रेनकोट पहनकर बाइक चलाना, ओए होए मजा आ गया। अब जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे थे, और धुंध के बीच से झांकते हुए वो देवदार के पेड़, क्या एक्सपीरियंस था यार। सब गीला हो रखा है भाई, अभी थक चुके हैं यार काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर से गीले बहुत हो चुके थे ना, तो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, जब फ्रेश सूखे कपड़े पहनेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है।
तो थोड़ी बकचोदी के बाद हमारी ब्रीफिंग होती है, हमें कल की राइड के बारे में बताया जाता है। कल का जो अपना ट्रेवल रहेगा टोटल रहेगा 210 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। तो बाइकर्स के लिए भी और अपने ट्रेवलर्स के लिए भी, सबके लिए, कल हम यहाँ से जाएंगे तो डायरेक्ट छिटकुल जाएंगे। बाकी बाइकर्स का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, रूट जो है नैरो रूट है, सिंगल लेन है, ठीक है। तो यहाँ से और रामपुर तक पूरा सिंगल लेन हमको मिलने वाला है बाइकर्स के लिए। और थोड़ा सा अब ध्यान से चलाना क्यों गाड़ी, क्योंकि बारिश का मौसम भी है। रुको एक मिनट, चलो। तो आज हमें कवर करने थे 210 किलोमीटर और बारिश फिर शुरू हो जाती है। अब इन बादलों के बीच से निकलते हुए हमारी नजर पड़ती है हमारे राइट साइड में और हम पहुंचते हैं जलोरी पास। तो अब तक जिन पहाड़ों पर हम बाइक चलाते हुए आ रहे थे वो बड़े प्यारे से पहाड़ थे, लेकिन जैसे ही सर हम किन्नौर वैली पहुंचते हैं ना, पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। तो किन्नौर की उन चट्टानों के बारे में मैंने बहुत सुना था, और जैसे जैसे हम किन्नौर वैली में जाते रहते हैं वैसे वैसे रास्ता और एडवेंचरस होता रहता है। पूरे चट्टानों वाले पहाड़ और उन चट्टानों को काट के जो रोड बनाई गई है वो अपने आप में बड़ी डरावनी है। सर अभी बारिश बंद हो चुकी है और पिछले 15 किलोमीटर का स्ट्रेच जो हम कवर करके आ रहे हैं ना, वो जिंदगी और याद रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है और बाइक के टैंक फुल करवाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं चित्कुल। अब बीच में क्या होता ना, मैं अपने ग्रुप से अलग हो जाता और दूर दूर तक मेरे कोई नहीं, आगे भी कोई लाइट नहीं दिख रही है, पीछे भी कोई लाइट नहीं दिख रही है। मैं सुनसान जंगलों के बीच में रोड पे अकेले चल रहा और मेरे को जंगली जानवरों का डर लगने लगता है। और भाई पूरा अंधेरा, आगे अंधेरा, पीछे अंधेरा, फोन में थोड़ी सी बैटरी है तो चलो। तो ऐसे खबर मेरे को पता लगी कि जो हमारे छोटे हैं उनके घर से उनको मैसेज आता कि मनाली में बादल फट गया, तू ठीक तो है, मैं तभी बारिश हो रही थी इतनी, फिर हम इधर आ गए, फिर मैंने ऐसे ऑनलाइन वगैरह देखा तो उस ब्यास रिवर में ऐसे बादल फटने से ऐसे फ्लड व्लड आ गया है, तो चंडीगढ़ मनाली हाईवे जो है उस वो ब्लॉक हो गया, उधर लैंडस्लाइड हो गई है तो पूरा ब्लॉक है। तो सुबह होने का इंतज़ार नहीं होता और हम निकल पड़ते हैं चित्कुल की खूबसूरती देखने। इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास सिचुएटेड ये इंडिया का लास्ट गांव है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 600 लोगों की है। अब रात को जब हम यहाँ पे आए थे तो पता ही नहीं चला था, पूरा 30-40 किलोमीटर अंधेरे में कवर करा, अभी पता चला हम कहाँ पे हैं। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं, बहुत प्यारे नज़ारे आ रहे हैं। मतलब तो आज हमारे ट्रिप का डे 3 और अभी हम लोग हैं चित्कुल में। आज के क्या आइटनरी, आज के क्या सीन है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं कल्पा। तो वो होता है ना यार कि हम लोग फ्यूचर को लेके बड़ा सोचते रहते हैं, क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे, और इस चक्कर में हम लोग प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, प्रेजेंट को फील नहीं कर पाते। तो वैसे ही बाइक चलाते चलाते मुझे एकदम से प्रेजेंट हिट होता है और एहसास होता है कि मैं सही में ये सब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इन्हीं ख्यालों के बीच
मेरी नज़र जाती है नीचे खाई की तरफ और मुझे याद आता है कि मैं बाइक चला रहा हूँ। ऊपर से मेरी हाइट से बहुत फटती है तो नीचे देखते टाइम कॉन्फिडेंस हिल जा रहा था। लेकिन जब आप अपने डर को फेस करते हो ना तब आप अपने बेटर वर्जन से मिलते। तो रिकांगपियो से करीबन 5 से 7 किलोमीटर ऊपर जाके हम पहुंचते हैं कालपा। तो सर कभी ऐसा होना कि मतलब घर से बहुत काम कर लिया, वर्केशन वगैरह पे जाना है, कालपा जाना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज आई हैव एवर सीन। अब यार हर किसी के ग्रुप में एक ऐसा लड़का होता है जिसको नहीं थोड़ी जानकारी मतलब इच्छुक। सीएम भाई बताओ जरा इन पीक्स के बारे में। भाई कल्पा से 2 पीक्स का व्यू है, पहली जोरकंदा है, दूसरी किन्नौर कैलाश है। किन्नौर कैलाश इज 6,050 मीटर है, जोरकंदा इज अराउंड 6,500 मीटर है। एंड ऊपर टॉप पे पूरा ऐसे खंड सा है शिवलिंग का बड़ा सा, तो उसकी पूजा करते हैं, उसका ट्रैक भी होता है। तो ढलते सूरज के साथ ये पहाड़ और खूबसूरत होते जा रहे थे और इन्हें देखते देखते हमें रात हो जाती है। हम लोग है ना ऐसे टहलने निकले हुए थे, इतने में एक गाड़ी आती है, एकदम से रुकती है और हैंड ब्रेक लगता है। गाड़ी में से लोग बाहर निकलते हैं और वीडियो देखते हैं। अभिषेक हमारी काफी अच्छा लगा मिलकर यार, थैंक यू। ओके अंकल नमस्ते। ओके भाई सब्सक्राइब करो भैया के चैनल को। भाई बहुत गलत है को आ रहा है बनाओ। तो इस खूबसूरत से गांव को और नजर ना हटने वाले इन बर्फ के पहाड़ों को अलविदा कहकर हम लोग निकल पड़ते हैं धनकर के लिए। तो अगर आपको बाइक राइडिंग से प्यार है तो ऐसे रास्तों पर बाइक चलाना बड़ा ही फुलफिलिंग सा लगता है, बड़ा ही ड्रीम कम ट्रू टाइप मोमेंट। मैं भी ऐसे सड़कें कभी देखा करता था, हिस्ट्री टीवी 18 पे शो आता था ना इंडियाज डेडलीएस्ट रोड्स, तो वही किन्नौर वैली की कुछ ऐसी सड़कों पर बाइक चलाना मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं मैं देखता हूँ सब कुछ धीरे 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 बदलता जा रहा है, क्योंकि हम किन्नौर वैली को अलविदा कहकर बढ़ रहे थे स्पीति वैली की। तो पहाड़ों का रंग ग्रे से बदलते बदलते ब्राउन हो जाता है और हम पहुंचते हैं खाब संगम। खाब जो है वो है संगम सतलुज और स्पीति का। तो जैसे ही हम इस पुल को क्रॉस करते हैं हम एंटर कर जाते हैं स्पीति वैली। अब जाके पहुंचे थे सर हम स्पीति वैली और आगे का पूरा लैंडस्केप ऐसा हो जाता है ना जैसा हमने लास्ट ईयर लद्दाख में देखा था। तो करीबन 100 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद हम लोग लंच करने के लिए रुकते हैं नाको में। आता ही नहीं है अगला।
यार वीडियो तो नाको में लंच करते करते हम मिलते हैं दो ब्यूटीफुल सी यंग लेडीज से एंड आई वाज इंप्रेस्ड टू सी देयर पैशन फॉर ट्रैवलिंग मैम आपका नाम क्या है आई एम वीना वीना वेयर आर यू फ्रॉम बैंगलोर अच्छा आप लोग स्पीति का सर्किट कर रहे हैं यस सो लाइक क्या मोटिवेशन है स्पीति का सर्किट करने का ऑलवेज वांटेड टू डू इट कुडंट डू इट व्हेन वी वर यंगर ओके मनी कंस्ट्रेंट्स सो व्हेन माय फ्रेंड ललिता यस She asked me, hesitated earlier, but later agreed and just came along with it. Yeah, it's quite motivating to see you. Thank you. Good luck to you all. Thank you so much. And keep doing this, that's it. तो उनसे बात करने के बाद बड़ा ही एनर्जेटिक सा फील होता है और हम लोग निकल पड़ते हैं ढाकर के लिए तो हम इन नज़ारों के मज़े लेते जा रहे थे इतने हमें एक बड़ी सुंदर सी जगह दिखती है मतलब ऐसा लैंडस्केप के बीच में हमें देखने को मिलती है ग्रीनरी बहुत ग्रीनरी लोगों ने वहाँ पे फार्मिंग कर रखी है तो हम आउट ऑफ क्यूरोसिटी वहाँ पे रुकते हैं और हमें पता चलता है एक गाँव है ताबो और यहाँ पे एक 1000-year-old मोनेस्ट्री भी है ताबो मोनेस्ट्री तो अंधेरा होने से पहले हम लोग निकल पड़ते हैं धनकर की ओर धनकर एक बहुत ही रिमोट गांव है आइसोलेटेड सा और बड़े डिफरेंट से पहाड़ों के स्ट्रक्चर पर बना हुआ आज पूरे 220 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं धनकर और जो धनकर है वो है 12,774 फीट पे और अभी हम लोग खड़े हैं धनकर मोनेस्ट्री पे और क्या ही सनसेट देखा है अभी हम लोगों ने और आज का अगर किस्मत अच्छी रही बादल वादल नहीं हुए तो आज हमें देखने को मिल सकता है नाइट स्काई मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ कैसा लग रहा है क्या कर रहे हो अनिमेश भाई आ करो नाइट स्काई का वो आएगा ट्रांजिशन आ करो अनिमेश भाई की ऑक्सीजन जा चुकी है 73 अब ये ऑक्सीजन लेवल इतनी कम नहीं जाती अगर हम ये सब हरकतें नहीं करते तो हमें काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार मतलब एक अच्छा खासा नाइट स्काई हम देख लेंगे तारे वारे अच्छे खासे दिख जाएंगे लेकिन बादलों ने काम खराब कर दिया अब 2 बजे उठ के हम फटाफट से छत पे पहुंचते हैं और जहां नाइट स्काई दिखना चाहिए था वहां पूरे आसमान में बादल ही बादल दिखते हैं कोई होप नहीं दिख रही थी सर स्टार्स दिखने की मिल्की वे दिखने की लेकिन फिर भी 30 मिनट इंतज़ार करते हैं 1 घंटा इंतज़ार करते हैं कुछ नहीं ठंड और लग रही होती है नींद और आ रही होती है लेकिन अब इतनी देर रुके थे तो थोड़ा टाइम और सही और करीबन 30-40 मिनट बाद अराउंड 3:30-3:40 के आसपास वो बादल है ना धीरे 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 हटने लगते हैं और मिल्की वे हल्की 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 दिखने लगती है और कुछ देर बाद कुछ ये व्यू देखा हमने तो धनकर में स्पीति और पिन रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है अगर हम स्पीति रिवर के साथ साथ चलते रहते 30 किलोमीटर तक तो हम पहुंच जाते काजा लेकिन आज हम जाते हैं पिन वैली तो मैं एक्साइटेड था इस ऑफ रोड के लिए लेकिन जैसे जैसे हम पिन वैली में जाते जा रहे थे नज़र ऑफ रोड से हटके पहाड़ों पर जाने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद ये नज़ारा इतना ज़्यादा मेसमराइजिंग हो जाता है इस रास्ते पे चलते चलते एहसास होता है कि ये जगह कितनी प्रिस्टीन है बहुत अनएक्सप्लोर्ड सी जगह ज़्यादा लोग यहाँ आते नहीं हैं इसीलिए ये जगह अभी तक बची हुई है
पिन वैली की जो बाइक राइडिंग का एक्सपीरियंस था वो ऑफ रोड तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पीसफुल था। और इस पीसफुल सी वाइब को एक्सपीरियंस करते करते हम पहुँचते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप, मध विलेज। तो मध विलेज के इस ब्यूटीफुल से सिमेट्रिक से नजारे को देखने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं कासा की ओर। यार आज कुछ ट्रिप ऐसी रही कि काफी ऑफरोडिंग हुई थी, फिर हम होटल पहुंच चुके हैं। अरे वाटर क्रॉसिंग, तो ज्यादा टाइम क्या सीन था, जब हम लोग मड विलेज गए थे, मडगांव गए थे, तब पानी का फ्लो कम था वाटर क्रॉसिंग में, लेकिन वहां पे दो तीन घंटे हमने स्पेंड करे। इतने क्या हुआ, धूप ग्लेशियर से पड़ रही थी और वो वाटर का फ्लो बढ़ गया, और द टाइम क्या वाटर क्रॉसिंग मरीना में मजा आ गया। तो मनाली से करीबन 700 किलोमीटर बाइक राइड करके, अलग अलग वेदर देख के, अलग अलग लैंडस्केप देख के हम पहुंच चुके थे काजा। काजा इज मेन टाउन ऑफ स्पिति रीजन। तो काजा के आसपास ही काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड की हाईएस्ट हैं, तो वही एक्सप्लोर करने की शुरुआत हम लोग करते हैं चीचम से। तो अभी हम लोग हैं चीचम ब्रिज पे और ये है एशिया का हाईएस्ट ब्रिज। अब यार हमारे दिमाग में स्पीति सुनते ही बाइक राइड, ऑफ रोड, ये सब आता है, लेकिन स्पीति का जो असली मतलब है ना, वो है मिडल लैंड, द लैंड बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। स्पीति इज ऑल्सो नोन फॉर इज एंशियंट 1000 ईयर्स ओल्ड मोनेस्ट्रीज, एंड उनमें से एक मोनेस्ट्री है की मोनेस्ट्री। बढ़िया व्यू है ना, बहुत बढ़िया। अब यार यहाँ ख्यालों में बैठे बैठे हमें हमारे दोस्त की याद आ जाती है। वो लद्दाख ट्रिप में भी हमारे साथ था, उसका बड़ा मन था स्पीति आने का, वो भी हमारे साथ स्पीति में होता अगर उसका मैनेजर अपनी मान। तो सुगम भाई को याद करते करते हम पहुँचते हैं किम। तो इस ट्रिप पे हमारे दो मित्र और आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए, उनमें से एक सुगम जिसको आपने काफ़ी बार देखा है, वो सब बुकिंग्स हो गई हैं उसकी, लेकिन एंड टाइम पे ऑफिस के काम की वजह से वो नहीं आया, उसका इतना मन था ना आने का, वो नहीं आ पाया। लेकिन हम लोग हैं अभी पूरे वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे और यहाँ से हम उसको लिखे एक चिट्ठी। दूसरे हमारे मित्र हैं तन्मय भाई, जो कि अपने आने की वजह से नहीं आ पाए क्योंकि उनका मन ही नहीं होता हमारे साथ घूमने का, तो हमारे को दिल से बुरा लगता है, तो वही भावनाएं हम इस चिट्ठी में व्यक्त करके उनको बैंगलोर में चालाघाटा भेज रहे हैं। प्रिय सुगम, आशा करता हूँ तुम अपनी मरवा रहे हो। और एक्किम से थोड़ी और हाइट पे जाके हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल विलेज में लंच करने का। अब यार 15,000 फीट पर अगर आप थोड़ा सा भागने भी लगोगे ना तो सांस फूलने लग जाएगी क्योंकि ये काफी हाइट होती है भाई। रोड बढ़िया, सीनरी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर टू आर अ लिटिल बिट ओबीस ऑडियंस लाइक मी, बी एट योर ओन रिस्क बिकॉज सांस फूल जाएगी। अब मैं ड्रोन शॉट लेने के लिए जा रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ एक बंदा आ रहा है पैदल पैदल चलते हुए। What's your name? Stuart. Where are you from? From England. England? Yes. So what motivated you to do this expedition? It's just good for my mind and body to be alone and just walk and be by myself.
and just see what's happening. You know? Great, great, great. Nice meeting you, buddy. Nice to meet you too. Best of luck for the journey. Thank you, and you as well. यार आज डे 5 हमारा ख़त्म होने वाला है। आज हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन 5 किलोमीटर पहले मेरे सामने एक व्यू आ रहा था, उसको देखने के लिए रुके थे। भाई साहब बिल्कुल जन्नत लग रहा है। देखो मतलब यार कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। यहाँ से सबसे पहले जाएंगे लोसर, रास्ता बढ़िया है, टारमेक वाला रोड है, ठीक है, एक ही रास्ता है, खींचते जाएंगे अपन। ये बहुत आ रहा है, लोसर चेक पोस्ट पे अपन रुकेंगे। वहां पे कुछ स्टॉल्स है, शॉप्स है, कैफेज, मतलब छोटे छोटे ये ढाबा बाबा ये सब है, तो आप कुछ खाने के लिए अपने साथ ले लेना, क्योंकि आज हम सीधा चंद्रताल जाने वाले हैं, ठीक है। और चंद्रताल में कुछ नहीं मिलता, पानी की बोतल भी नहीं मिलती। ऊपर से सिचुएशन ऐसी होती है कि ये जो रोड स्टार्ट होगा ना, ये रोड इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी पानी रोड पे आ जाएगा, हम फंस सकते हैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए। तो लोसर से हम तैयार होकर निकलते हैं चंद्रताल के लिए। अब आगे का रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे रास्ता ख़राब होता रहता है, नज़ारे उतने ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। पहुंच चुके हम लोग चंद्रताल, लेकिन चंद्रताल से जो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, वो लग रहा है 360 डिग्री का हिमालयन व्यू। हिमालयन व्यू, बर्फ वाले पहाड़ों का पूरा रेंज दिखेगा, हिमालयन बेल्ट। और अभी सामने नहीं पता मैं हमारा क्या व्यू है, बस जस्ट हल्की हल्की पीक्स दिख रही है बर्फ के पहाड़ की। भाई इतना अनरियल लग रहा है ना, इतना अनरियल सामने। आज हम लोगों ने काजा से चलना स्टार्ट करा था और हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रताल। लेक देख लिया हम लोगों ने, जो हमारा स्टे है वो है 2 किलोमीटर नीचे, और इतनी ठंड हमें पूरी ट्रिप में कहीं नहीं मिली जितनी यहाँ पे है। ऊपर से सांस लेने में एफर्ट लग रहा है भाई, काफ़ी हाइट पे है। अभी जस्ट ऐसे ही बैठे हैं और सब लोग बातें बातें कर रहे हैं पूरी ट्रिप की, क्योंकि कल आखिरी दिन है, कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से मनाली के लिए, तो हमारा पूरा सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा मनाली। ये बात back to work, वहीं PR रेस करो, बोर्ड कर रखिए करो। Diamonds in the dust, that is all we are. Some of us give up, some dream of the sky. ठंड हो रही बहुत ज़्यादा भाई, जूते गीले हो रखे हैं कल की वाटर क्रॉसिंग के बाद, सूखे नहीं, तो अब गीले जूते पहन के राइड करने में दिक्कत तो अरे यार। अब सर जो पूरे ट्रिप का बेस्ट डे था ना, वो था लास्ट डे। मैंने हिमालयन को उसके फुल पोटेंशियल पर चलाया, क्योंकि चंद्रताल से मनाली का जो रास्ता था पूरा ऑफ रोड।
और अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं मनाली। तो सर ये था कुछ पूरा स्पीति वैली का ट्रिप। यार सुन के इतना मजा आ गया जाके तो। अच्छा ये बताओ तुमने शूट वगैरह किया है? यूट्यूब पे वीडियो डालोगे इस चीज की? हाँ हाँ बिल्कुल सर, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे। और जॉब के साथ साथ एडिटिंग का टाइम मिल जाएगा? वो देखते हैं। Promise we'll never be apart.